नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों को बेवकूफ बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट महंगे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको सिर्फ किट खरीदनी है और आपका काम स्टार्ट हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर फोकस किया जाता है बंदों को जोड़ने का, ना कि प्रोडक्ट बेचने का। दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो उन्होंने वीडियो बनाई है इस MLM इंडस्ट्री के ऊपर और इस इंडस्ट्री को स्कैम बताया है। ये सारे पॉइंट्स, इस तरह के और भी पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, आप देख सकते हैं। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, एक यूट्यूबर है मिस्टर कामरा और एक अभी जो उभरते हुए यूट्यूबर है नीतीश राजपूत। इनका कहना है कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल स्कैम है और इस तरह के कुछ और यूट्यूबर्स भी हैं। पूरा का पूरा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने स्कैम बताया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये MLM इंडस्ट्री है और इस MLM इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत सारे लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बहुत सारे लोग फुल टाइम इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जहां पर जिनको जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, किसी भी इंडस्ट्री को सीखना पड़ता है। अब मैं सिर्फ अगर उन्हें उनकी इंडस्ट्री की ही बात करूं, वो एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब उनका प्रोफेशन है। यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आज फोन उठाए घूम रहे हैं और वीडियोज बना रहे हैं। क्या सभी लोग कामयाब हैं? क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर सभी के सभी जो है लोग उस इंडस्ट्री में अगर काम करने गए हैं तो वो सभी कामयाब हुए हैं? दोस्तों, हर इंडस्ट्री का रूल है, कुछ लोग कामयाब होते हैं, वो लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं और उस इंडस्ट्री को सीखते हैं। यूट्यूब पे अगर हमें कामयाब होना है तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। अच्छी क्वालिटी का कैमरा लेकर आना पड़ता है, माइक होता है, फोन होता है, या फिर आप अच्छी क्वालिटी का कैमरा है तो आप मोबाइल से आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या सभी लोग कामयाब हो पाते हैं? आज छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब में काम कर रहे हैं, क्या यूट्यूब ने लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं की है? यूट्यूब ने बच्चों की पढ़ाई का फोकस नहीं हटाया है? तो ऐसी अगर हम बातें करने लग जाएं तो हर इंडस्ट्री में, स्टार्टअप्स को आप ले लीजिए, लोग स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, क्या सभी का स्टार्टअप्स कामयाब होता है? गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं, क्या सभी को जो सरकारी नौकरी है वो मिल जाती है? उन्हीं बच्चों को मिलती है दोस्तों जो मेहनत करते हैं, कामयाब मेहनत करते हैं, टेस्ट को क्लियर करते हैं और तब जाकर उनको वो जॉब मिलती है। क्या सभी के सभी, अगर जो भी बच्चा अगर फॉर्म भरे और वो अप्लाई करे और वो उसको सरकारी नौकरी मिल जाए तो पूरी दुनिया गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने लग जाएगी? अगर हर स्टार्टअप कामयाब होने लग जाए तो पूरी दुनिया स्टार्टअप में पैसा लगा के और वहां पर करोड़ रुपए बनाने लगेगी? अगर हर यूट्यूबर को पैसा आने लग जाए और अगर हर यूट्यूब वाला कामयाब होने लग जाए तो बच्चा बच्चा अपना यूट्यूब चैनल खोल लेगा? तो आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करके और उसको पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जो आप स्कैम बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री किसी भी तरह से स्कैम नहीं। यहां पर भी हमें सीखना पड़ता है कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम करें, क्या ये इंडस्ट्री है, अगर प्रोडक्ट बेस है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, क्राउड फंडिंग है। यहां पर भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं दोस्तों, जैसे किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो वहां पर सेक्टर्स होते हैं, इसी तरह से यहां पर भी यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी सेक्टर्स हैं। एडिटिंग है, कैमरा है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। सबका अपना अलग अलग चैनल्स होता है, कोई न्यूज चैनल है किसी का यूट्यूब टिक्स एंड ट्रिप्स है, किसी के जो है मोबाइल के ये टेक्निकल जो गैजेट्स हैं उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और भी बहुत सारे चैनल, कोई इंग्लिश सिखा रहा है, कोई अपना एजुकेशनल चैनल होते हैं, इस तरह के अलग अलग चैनल्स हैं। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है जहां पर अलग अलग सेक्टर्स हैं, उस सेक्टर्स में आपको जाना पड़ता है और वहां पर काम सीखना पड़ता है। आपको जरूरी नहीं कि आपने एंट्री की, जो भी वहां पर ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग फीस दी और आप घर पे बैठ के और आप कामयाब हो जाएंगे। नहीं, वो लीडर्स नहीं कामयाब हो पाते जो नहीं सीखते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, कमियां हैं, कमियां हर सेक्टर में है दोस्तों, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कमी नहीं है, कमियां हर सेक्टर में है। और सबसे बड़ी चीज, जब देशभक्ति की बात आती है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को टारगेट किया जाता है कि आप बाहर की कंपनी कर रहे हैं, इंडिया की कंपनी नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा बाहर जा रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हर इंडस्ट्री के साथ है, हर इंडस्ट्री के साथ ऐसा ही होता है दोस्तों। यहां पर लोग पढ़ाई करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, या फिर बाहर पढ़ाई करके आते हैं, इंडिया में भी जॉब करते हैं, तो ये चलता रहता है, ये एक सिस्टम है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही ऐसा नहीं है कि बाहर की कंपनी आपने की और पैसा बाहर जाने लग गया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग बेवकूफ बना रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको सिर्फ बंदे जोड़ने का काम दिया जाता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट इतने खराब होते, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर कंपनी खराब होती तो आज सारी कंपनियां बंद हो चुकी होती,
कुछ कमियां हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड हर इंडस्ट्री में होता है दोस्तों। ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बैंक में फ्रॉड होता है, आपका यूट्यूब पे भी फ्रॉड होता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो ये चीजें रोकी नहीं जा सकती। हाँ, इनके बारे में सिस्टम बन रहा है, पहले जो हालात थे वो हालात अब नहीं है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, तो इस इंडस्ट्री को सीखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर बताया जाता है कि लोगों को व्हाइट शर्ट और टाई पहननी सिखाई जाती है, सूट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स होते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री के जो लीडर्स होते हैं वो सूट पहनते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। आज मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, टाई पहनी है, तो बुरी बात नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर लोगों को अच्छे कपड़े पहनना सिखाया जाता है, अच्छी तरह बातचीत करनी सिखाई जाती है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पर फ्री में की जाती है, और किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए। इसके बारे में मैं और भी डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है। बहुत सारे लीडर्स जो हैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हमें ये इंडस्ट्री अच्छी लगती है, और यहाँ पर भी कामयाब होते हैं लीडर्स, और बहुत सारे लीडर्स कामयाब होंगे, और आगे आने वाले टाइम में देखेंगे और भी ज्यादा लीडर्स कामयाब होंगे। कमी हर सेक्टर में है, आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कमी मत देखिए। कमी किस सेक्टर में नहीं है मुझे आप ये बताइए। एजुकेशन सिस्टम में कमी नहीं है, यूट्यूब में कमी नहीं है, या फिर स्टार्टअप्स में कमी नहीं है, वहां पर क्या लोग सभी लोग कामयाब होते हैं? कोई भी एग्जाम्पल आप दे दीजिए। आपकी वीडियोज ही देखकर ही बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बनाते होंगे, बहुत सारे लोग अपना देखते होंगे कि हमें यहाँ पर इस सेक्टर में कुछ करना है, कामयाब होना है, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, और ये जो कमियां हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह साथ बनाए रखे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एमएलएम के सभी लीडर्स के पास ये वीडियो जरूर जानी चाहिए। और इस इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो दोस्तों प्राउड फील कीजिए, अपने ऊपर गर्व महसूस कीजिए कि आप एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।